फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहाँ भारतीय नृत्य कला मंदिर में भाकपा माले विधायक दल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि इस चुनाव को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से भयभीत है। वहीं भट्टाचार्य ने आगे कहा कि भाजपा के खिलाफ 14 अप्रैल तक देशव्यापी अभियान चलेगा। वहीं भाकपा माले ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी और इस बार एनडीए को चुनावी मैदान से उखाड़ फेंकना उनका लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी सरकार पिछले 5 साल से राज चलाने के बाद आज किसी भी उनके पास सरकार ने 5 साल में क्या किया उस पर बात करने का उनके पास कुछ नहीं है। और ये पूरा चुनाव वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, पुलवामा, बालाकोट और मिसाइल और सैटेलाइट, इसी पर। फिर जो हमने अभी एक कार्टून देखा, बहुत जबरदस्त है, वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर देखो, आसमान में देखो, मिसाइल है, सैटेलाइट है, विमान है, जमीन पर मत देखो। तो जमीन पर जो लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई, जमीन पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जमीन पर जो दलितों पर, महिलाओं पर जबरदस्त इस दौर में हमले हुए हैं, जिस तरह से बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई देश में, इन तमाम मुद्दों से ये सरकार इस समय लोगों का ध्यान हटाना चाहती है और लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहती है। उधर तेज प्रताप के नए मोर्चे के ऐलान पर भाई वीरेंद्र ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप कोई भी मोर्चा बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके नेता लालू प्रसाद और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जनता लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानती है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर राजद की लहर चुनाव में दिखेगी। वही रविशंकर प्रसाद के बयान पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी की सोशल मीडिया पर वो भारी पड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी अनाप शनाप बयान देने पर उतारू हो चुकी है। करोड़ों लोगों की सिद्धांत और विचारधारा सिर्फ लालू यादव है। भाई वीरेंद्र ने पाटलिपुत्र लोकसभा से टिकट न मिलने पर कहा कि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है, वो एक जिम्मेवार राजद के सेवक है, उन्हें जिस जिम्मेवारी के लिए चुना जाएगा उसे वो बखूबी से निभाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए वो सत्ता में आए थे। अब उनके सोशल मीडिया पर हम भारी पड़ रहे हैं, फेसबुक पर भारी पड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भारी पड़ रहे हैं, हमारी जनता भारी पड़ रही है, इसलिए अनाप शनाप वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कोई काम नहीं है, ये जुमलेबाज लोग हैं और देश की जनता इनके जुमलाबाजी से हो गया है और इस बार ये हारने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर। उनके यहाँ भी कोई नेता नहीं है, हमारे यहाँ तो नीति और सिद्धांत है सारे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, अगर उनके नेता जेल चला जाए तो उसको कल लोग नेता नहीं मानना शुरू करेगा। हमारे नेता कहीं भी रहेंगे, उनका बनाया हुआ पूरा बिहार और देश में वो एक विचार हैं लालू यादव, और लालू यादव को मानने वाला इस देश में करोड़ों लोग हैं जो उनके जेल में रहने पर भी उन करोड़ों लोग विचारों को प्रचार करके और हर आदमी अपने आप को लालू यादव समझकर वोट देने का काम करेगा और आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगा। हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोगों ने बनाया है, सभी विधायकों ने मिलकर। इसलिए कौन मोर्चा कौन बना रहा है इसकी जानकारी हमको नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इंटैक्ट है और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा। महागठबंधन का अंग जो भी होगा 4000 सीट इस बार हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। कि राष्ट्रीय जनता दल को लोग जानता है, अगर भाई वीरेंद्र कोई दल बनाकर चुनाव लड़ता है तो उसका व्यक्तिगत कहीं क्षेत्र में प्रभाव हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार में अगर आप देखें तो किसी दल का उसका आइडियोलॉजी पर उसका वोट है और राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी पर पूरे बिहार में आंधी चल रही है, इसलिए इस आंधी में सब लोग बह जाएंगे, कोई रहेगा नहीं। हमें कोई मलाल नहीं है और जिन्हें भी टिकट राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने दिया है
सबके लिए हमको काम करना है और उसको जिताना है। नरकटियागंज के पंडई चौक के समीप तेल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बता दें कि टेंपो को बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित हो गई और सड़क के बगल के गहरे गड्ढे में जा गिरी। वही टैंकर चालक और सहायक किसी तरह जान बचाकर मौके से फरार हो गए। राजधानी पटना के एक निजी होटल में आने वाली फिल्म जय छठी माँ को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जय छठी माँ फिल्म की अदाकारा प्रीति झिंगानिया भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अदाकारा प्रीति झिंगानिया ने बताया कि यह काफी बेहतरीन और सामाजिक फिल्म है। यह आस्था के महान पर्व छठ पर आधारित है और इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि छठ पर्व क्यों और कब से मनाया जाता है। बहुत ही यूनिक और अनयूजुअल फिल्म है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फिल्म पहले कभी अटेम्प्ट की गई है। फिल्म का नाम काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जय छठी माँ। ये कहानी इसकी है कि छठी पूजा कब छू गई और असल में छठी माँ है कौन, उनकी कहानी। एक बार मैं अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड के साथ दिल्ली में छठ घाट पे गया तो वहाँ उसने पूछ लिया, वो पंजाब से थी, उसने पूछा छठ माँ की क्या कहानी। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने लगभग 200-250 लोगों से पूछा छठ माँ की क्या कहानी है। सभी लोग जानते हैं छठ पूजा कुंती माता ने की, सीता माता ने की, लेकिन छठ माँ की क्या कहानी है ये। सुपौल जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए जिला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सराहनीय कार्य करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग मतदान करने के लिए गाड़ी से लाए जाएंगे। वहीं उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि जो अखबार या टीवी चैनल मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करेंगे उनको जिला प्रशासन सहयोग करेंगे। वोटर्स हैं उनको मतदान केंद्र पे आने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा हम लोग मतदान केंद्रवार कितने हमारे पास ऐसे मतदाता हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स को हम लोग हर एक मतदान केंद्र पे प्रतिनियुक्त करेंगे। इसके अलावा एक वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी कार्यरत रहेगा हर एक मतदान केंद्रों पर। कई ऐसे मतदाता हैं निःशक्त मतदाता जो कि आवागमन की सुविधा के कारण मतदान केंद्र पे नहीं आते हैं, तो इस बार चूंकि हमको उनको मतदान केंद्र पे लेके आना है तो उनके लिए वाहन की सुविधा भी हम लोग प्रत्येक प्रखंड में रखेंगे। लोकसभा चुनाव में शराब के खेल और वोटरों को लुभाने के लिए शराब के इस्तेमाल की पुरानी परंपरा है, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में इस बार सरकार ने शायद इस खेल को बिगाड़ने की ठान ली है। अवैध शराब पर प्रशासन के कहर की तस्वीर हाजीपुर से सामने आई है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा इलाके में कई शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दिया है। गंगा नदी से सटे और पटना के करीब लिटियाही दियारा में उत्पाद विभाग के जवानों और अधिकारियों ने 4 बड़े शराब के अड्डों पर धावा बोला और अवैध शराब के इन अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जो लोकसभा चुनाव है इसके तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं दियारा इलाके में, जितना अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, जो भटिया चल रही है, सबको ध्वस्त करने का हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लिटियाही दियारा में अभी है। लिटियाही दियारा में आज हम लोग 12-1 बजे से अभियान चला रहे हैं। लगभग 4 बड़े बड़े भट्टी को ध्वस्त किया गया है, जहाँ से तैयार शराब 200 लीटर और 8000 किलोग्राम जवा महुआ सैकड़ों ड्रम को ध्वस्त किया गया है। ये चुलाई बनाने का उपकरण जो है, पाइप है, इस तरह के बहुत सारे सामान को विनष्ट हम लोग कर रहे हैं। चुनावी अखाड़े में सभी नेता कूद पड़े हैं। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सुशील मोदी ने कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि घोषणा पत्र एकमात्र से ही जनता किसी को वोट नहीं देती है। 55 साल के शासन में कांग्रेस ही झूठे वादों के सहारे सत्ता में बनी रही। सुशील मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारा को लेकर सरकार में आई, लेकिन कांग्रेस को कभी गरीबों की याद नहीं आई।
सुशील मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के झूठी अफवाह एवं झूठी घोषणा पत्र के बहकावे में जनता अब नहीं आएगी। वहीं तेज प्रताप के अलग मोर्चा बनाने के मामले में सुशील मोदी ने कहा कि यह तो होना ही था, ये परिवारवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी में ये सब आम बात है। जिस प्रकार यूपी में अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच में सत्ता का संघर्ष चल रहा है, उसी तरह लालू यादव के परिवार में भाई भाई के बीच संघर्ष है और ये संघर्ष सत्ता का संघर्ष है। इसलिए देखिए, कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के आधार पर कोई वोट नहीं देता है, न देगा, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा जनता को धोखा देने का काम किया है। इन्हीं की दादी थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ 1971 में, और गरीबी हटाओ का नारा देकर और देश की प्रधानमंत्री बन गई और प्रचंड बहुमत से लोगों ने जिता दिया। इसके बाद वो गरीब को भी भूल गए और गरीबी हटाने को भी भूल गए, और उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता है वो गरीबी हटाने की बात करता है। इसलिए ये जितनी घोषणाएँ कर रहे हैं उनका इस देश की जनता को उन घोषणाओं पर कोई भरोसा नहीं। देखिए, वो तो होना ही था, ये सत्ता का संघर्ष है। ये तो औरंगजेब के ज़माने में भी और बाप और बेटे में सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इन परिवारवादी पार्टियों में माँ बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, उत्तर प्रदेश में मायावती, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो हर जगह जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं इसी प्रकार का संघर्ष चलता है। अब उनका आंतरिक मामला उन्हीं को सुलझाना है, इसे हम क्या कर सकते हैं। सीतामढ़ी समाहरणालय में सुगम वाहिनी रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव में इस रथ के जरिए दिव्यांगों को पोलिंग बूथ तक लाने का काम किया जाएगा। प्रचार प्रसार के उद्देश्य से यह रथ गांव गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम करेगा। इस सुगम वाहिनी रथ में दिव्यांगों के हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में थाना के समीप आंशिक रूप से रहे अतिक्रमण को खाली कराया है। जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी निवासी राजेंद्र साफी द्वारा पटना उच्च न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया था, जिसके आलोक में पूर्व में भी अतिक्रमण खाली कराया जा चुका था, लेकिन खाली कराए गए स्थल पर आंशिक अतिक्रमण व मलबा रह गया था, जिसको अनुमंडल कार्यालय से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सुनील मिश्र तथा थाना के SI प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण को खाली कराया गया। बिहार शरीफ के बाल गृह में किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने अपना जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ मनाया। इन बच्चों का उत्साह वर्धन करने नालंदा के DM योगेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र और DM योगेंद्र सिंह ने बच्चों के साथ केक काटकर अपनी खुशियां बांटी। समय पर अपनी खुशियां इनके साथ बांटे तो एक मौका है, जन्मदिवस मनाना तो एक बहाना है कि इसी उपलक्ष्य से इन बच्चों के साथ कुछ पल बिताए, पूरे जिंदगी ताउम्र याद रहेंगे, और इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे सोसाइटी के लिए अंग है, अभिन्न अंग है, उसके प्रति इनकी इतनी अच्छी सोच है, जिससे कि हम सभी को, समाज के प्रत्येक जागरूक इंसान को, इन प्रेरणा लेनी चाहिए। और विश्व ऑटिज्म दिवस पे मैं सभी बच्चों से भी अपील करता हूँ कि अच्छे से रहें, हम लोगों को सरकार के स्तर से जितनी भी सुविधाएं इनके लिए दी जानी वो हम लोग अच्छे से मुहैया करवाएँ, ताकि इनको जो भी दिक्कतें होती हैं जिसका भी निदान हम लोग। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसैठ पंचायत के रानीपुर गांव में आग लगने से दो घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वही घटना की सूचना CO को दी गई, जिसके बाद CO प्रमोद कुमार सिंह ने त्वरित अग्निशमन कार्यालय को फोन कर दमकल भेजे जाने का निर्देश दिया और खुद भी दलबल के साथ स्थल पर पहुंचे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM के निर्देश पर वाटसन उच्च विद्यालय परिसर में जिला स्वीप PWD कोसांग के द्वारा दिव्यांग मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित दिव्यांग एथलेटिक्स, बैडमिंटन तथा ट्राई साइकिल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया।
बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रखंड बगहा 2 के लौकरिया थाना क्षेत्र के विनवलिया बोदासर पंचायत के दुधौरा में मतदाता रैली निकाली गई, जिसमें कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। अपना वोट देने का अधिकार एवं मतदान देने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। मोतिहारी के चकिया में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमन कुमार ने मतदाता जागरूकता का रोड शो किया, जिसमें उन्होंने भोजपुरी में मत के महत्व को समझाया और लोगों से वोट देने की अपील भी की। लोकसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत 12 मई को इस जिले में मतदान है और मतदाताओं को जागरूक करने की बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। इसी के तहत आज एक मोटरसाइकिल रैली आयोजित की गई थी, जिसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और आपके माध्यम से मैं जिले के सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 मई को सभी लोग जो भी मतदाता हैं वे अपने अपने बूथ पर जाकर के निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बसपा भी बिहार में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अररिया के समाज सेवी राम नारायण भारती को बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से अररिया लोकसभा सीट पर टिकट मिला है। वो अररिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उनके खेमे में टिकट मिलने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। वहीं राम नारायण ने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार जताया है। समाज के लिए तो हमें पहले से ही सोच कर रखे हैं कि ये तो समाज सोशल वर्क जो करते आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट, जो मेरा शौक है कि हमारा समाज सुखी सुपति हो रहे, अच्छा रहे और विकास इसी में काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज खोलने के भी बहुत दिन से तमन्ना था। एनडीए के घटक दल शिवसेना के नेता संजय राउत के सामना में प्रकाशित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने कहा है कि इनको लोकतंत्र में जनता पर नहीं बल्कि हैकिंग पर भरोसा है। चुनाव आयोग को तुरंत इनका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक बयान है और इस बयान से 3 बात साफ साफ पता चलती है। एक, इनको मालूम है कि बेगूसराय के लोग इनके झूठ और प्रोपेगेंडा पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। बेगूसराय के लोग बेगूसराय के अपने बेटे पे भरोसा करेंगे, इसीलिए ये कह रहे हैं कि लोग तो वोट देंगे लेकिन ईवीएम को हैक करके आप जो है कन्हैया कुमार को हराइए। इसका मतलब ये है कि इनको लोकतंत्र में जनता पे नहीं हैकिंग पे भरोसा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव आयोग को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग बार बार यह दावा करती है कि ईवीएम का हैकिंग नहीं हो सकता है, लेकिन एक बड़े नेता के द्वारा, सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता के द्वारा जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उनके द्वारा यह बयानबाजी अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और तीसरी बात कि आप जितना भी जोर लगा लीजिए, ईवीएम और एटीएम दोनों का जोर लगा लीजिए, लेकिन आवाम जब उठ खड़ी होती है तो आवाम के सामने ईवीएम और एटीएम काम नहीं करता है। यह लड़ाई हम लोग मॉरली जीत चुके हैं, इलेक्टोरली भी जीतेंगे और बेगूसराय का संदेशा पूरे हिंदुस्तान को जाने वाला है कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में बेगूसराय के लोग पहली कतार में खड़े हैं। आइए, हाथ बढ़ाइए, हिम्मत कीजिए, लोकतंत्र बचाइए। लगातार एक महीने से साइबर अपराधी मसौढ़ी में सक्रिय है, लेकिन अब तक इतनी घटनाओं के घटने के बाद भी पुलिस प्रशासन और न ही बैंक के अधिकारी पीड़ित उपभोक्ताओं की सुधि ले रहे हैं। लगातार बैंक उपभोक्ताओं के रुपए साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी तरीके से उनके खाते से रातों रात उड़ाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की नींद हराम हो रही है। इस संबंध में पीड़ित उपभोक्ताओं ने मसौढ़ी थाने में FIR दर्ज कराया है। पीड़ित उपभोक्ताओं का आरोप है कि इस मामले को लेकर मसौढ़ी प्रशासन और बैंक अधिकारी तनिक भी गंभीर नहीं है। 20 तारीख को मेरा 14,000 रुपया निकाल लिया, छुट्टी का दिन था उस दिन अलजा का। हमें मैसेज मिला, बैंक में गए, बैंक बोला हम कुछ करने में असमर्थ है। बैंक जब हम लोग की जिम्मेदारी लिया है, पैसा ले रहा है, तो इसका ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम लोग को सिक्योरिटी दे, नहीं तो सरेंडर करें तो हम पैसा नहीं रखेंगे। और नहीं तो जो हाँ अकाउंटेंट थे और बैंक में मैनेजर थे वो बोले कि मेरा पैसा भी निकल गया, मेरा खाता है SBI बाजार से था। तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं और अपना पैसा हम लोग स्टेट बैंक से दूसरे जगह ट्रांसफर कर, लेकिन प्रशासन भी हाथ बांधे है। प्रशासन को कहना है कि यह हमारी समझ से बाहर का चीज़ है, बैंक ही कुछ लिंक दे सकता है कैसे कैसे होगा। जिन जिम्मेवारी तो प्रशासन की है, कम से कम उसे इस पर यथार्थ शीघ्र प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोग संतुष्टि मिले। प्रशासन को जो ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं
उन्हें सूचना देना चाहिए और बृहद स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर, देश स्तर पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे गैंग का पर्दाफाश होना चाहिए और इसमें जो बैंकों के पदाधिकारियों का मिली भगत है उन सबको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बैंक के तो लोग का मिलीजुली हाथ ही है, सर बैंकर लोग का न मिलने पे ऐसा काम हो नहीं सकता है, क्योंकि एटीएम से लोग स्कैम कर ले रहे हैं, तो इसमें जो लोग एटीएम में पैसा डालते हैं वही लोग अपना साथ जो प्राइवेट लड़कन को रखते हैं, हमारी समझ में है कि वही लोग के मिलने से ही हो रहा है। तो हमने गए FIR करने थाना में, वहाँ नहीं लोग मिले, एक सप्ताह तक दौड़ाए, उसके बाद लास्ट में लिए, फिर भी उस पर फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं निकलवाए, कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह मुद्दों पर बात करने वाले लोग नहीं है, यह भाई भाई में लड़ाने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार के गया में ज्यादा लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। मोदी बताए कि बिहार का स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है, चौकीदार ने सही से चौकीदारी नहीं की, जनता थानेदार है वह इसका हिसाब लेगी। मुद्दा है रोजगार का, मोदी जी ने बताया रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मोदी जी ने बोला गरीबी दूर कैसे होगी, पिछड़े दलित आदिवासी का जो आरक्षण का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल मेरे सामने आ जा रहे हैं, उसमें क्या हुआ, तो मेरे सामने ये इन लोगों की राजनीति है जहर भाई भाई में लड़ाने की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी आए, गया में आए थे, गया भी गए थे, गया गए 2015 में, 2015 में गया में उन्होंने कहा था कि ताजमहल में टूरिस्ट जितने आते हैं उससे ज़्यादा टूरिस्ट जब डबल इंजन की सरकार होगी तो वो देने का काम करेंगे। क्या हुआ गया, उन्होंने बोला था टूरिज्म का क्षेत्र बहुत बड़ा बनाएंगे और टूरिज्म का क्षेत्र ऐसा होता है कि कम लागत से काफ़ी फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, कोई वादा नहीं पूरा। ये गया में उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि भाई उल्टा लोटा लेके मत आना, उल्टा लोटा लेके मत आइएगा, क्योंकि केंद्र सरकार विकास की गंगा बहाने जा रही है, मतलब पूरा पैसा रहेगी। अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई, अरे लोगों चोर दरवाजे से, तो अब तो लोटा भी ठीक है, तो जब लोटा ठीक है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, बिहार का स्पेशल पैकेज कहाँ गया, ये तो मोदी जी को बताना चाहिए। अब इधर उधर की बात ना करें, चौकीदार जी समझे कि उन्होंने चौकीदारी ठीक से नहीं की है और जनता जो है वो थानेदार है, इनको सजा देने का नामकरण कर रहे हैं। जनता उधर की रंग पार्टी कहा जा रहा था, दूसरी तरफ बड़का जीठा पार्टी कहा जा रहा था, ये लोग देखिए इनके पास तो एजेंडा भी और हमें तो शर्म आ रही थी भाई, ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, ना रोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना मजदूरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, सारी बातें जो मुद्दा है ही नहीं, इधर उधर की जो फालतू बातें हैं वो बात कर रहे हैं। हम लोगों को तो हाँ मोदी जी आएंगे, अब तो डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को कुछ तो मिल गया, बताते कि मैंने बिहार को इतना दिया, नीतीश जी बोलते हाँ हमको इतना मिला, बोलते ना तो अच्छा लगता, ऐसा कुछ हुआ क्या अच्छा घर का कुछ विवाद है सर, कहा जा रहा लोगों में, अरे तो आपके घर पे विवाद है तो हम पूछने जा रहे हैं। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ, नमस्कार।